पांच चेंडू एक धावा, एक ओवर एक धावा। हेलो हेलो, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है पेराडाइज की ओर से। रोक के रखा बल्लेबाजों को, अच्छा शॉट कवर ड्राइव, लेकिन मजबूर कर दिया पास, अच्छी टप्पे पे गेंद डाल रहे, थोड़ा सा रोक के रखा है बल्लेबाजों को। पहली ओवर रेहान ने जितनी अच्छी ओवर डाली, थोड़ा सा प्रेशर नजर आ रहा है बल्लेबाजों के ऊपर। देखते गेंदबाज बल्लेबाज की कैसी ट्रायल मारने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षित हाथों में जा रही है। धीमे धीमे स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन इस ओवर की, चार गेंद हो चुकी है, अभी भी दो गेंद शेष। दो गेंद नो डाली थी, कुछ फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज, थोड़े सा प्रेशर में बैकफुट में ढकला है पेराडाइज ने बल्लेबाजों को। आगे गेंद, कड़क शॉट और ये बहुत अच्छी फील्डिंग नहीं हुआ, चार रन एक चौका निकला, शॉट सही नहीं था, फील्डर की खराब क्षेत्ररक्षण की वजह से ये चौका मिला और थोड़ी सी आशा की किरण नजर आई बल्लेबाजों की। रन की बढ़त होती हुई 11 रन हो चुके हैं, अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद शेष। देखने जाए तो इस ग्राउंड में अगर 32-34 रन लगता है तो अच्छा स्कोर माना जा सकता है। मैं कह रहा था एक चौके की जरूरत थी और थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हुआ और हुआ 15 रन। दो ओवर की समाप्ति पर मैं कह रहा था कि थोड़ा सा प्रेशर उन पे बना हुआ था, लेकिन इस दो चौके के बाद थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होता हुआ और अच्छा स्कोर देखने मिलेगा, 15 रन हो चुके हैं। पहली ओवर रेहान ने अच्छी गेंदबाजी, सही टप्पे पे गेंद डाली थी, थोड़े से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को चकाया था और उन्होंने आत्महत्या हिट विकेट करके अपना विकेट दिया था। थोड़ा सा प्रेशर नजर आया था वेवर के बल्लेबाजों पर, लेकिन इस दो चौके के मदद से अब थोड़ा सा स्कोर उनका आगे बढ़ेगा ऐसा लग रहा है। तीसरी ओवर निजी ओवर लेकर जबीर खान बहुत अच्छे बल्लेबाज, बोईसर एरिया पालघर एरिया में सबसे अच्छे बल्लेबाज मैं कहूँगा तो, बहुत अच्छे बल्लेबाज और गेंदबाज। अब उन्होंने थोड़ी सी बंद की थी, फिर भी उन्होंने अभी स्टार्ट किया गेंदबाजी करने के लिए। पेराडाइज एक टीम है, उसमें छोटे छोटे बच्चे और नए नए चेहरे नजर आते हैं। देखते तीसरी ओवर लेकर फुल टॉस गेंद, अच्छा शॉट वहां पे फील्डर बादल, मैं कह रहा था एक फील्डिंग छूटी थी, उसके बाद जो चौके की बौछार नजर आ रही है, तीन गेंद पे तीन बाउंड्री लग चुकी है।
एक जो तरफ झुका हुआ मेज था अब थोड़ा सा वेवर की तरफ आ रहा है, धीमे धीमे फील्डिंग की खराब क्षेत्र रक्षण की वजह से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगली गेंद अच्छा शॉट, वहां पे फील्डर मौजूद, थोड़ा सा कम बैक करते हुए पहली गेंद फुल टॉस थी, दूसरी गेंद अच्छी गेंद अच्छे टप्पे पे, तीसरी गेंद लेके तैयार हल्की सी, बहुत बढ़िया शॉट, बहुत प्यारा शॉट, देखा कि हल्की सी गेंद शॉट है उस, और चार रन इस चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। थोड़ा सा मजबूर किया है मीटिंग लेने के लिए पेडाइस के कप्तान और कीपर के बीच में थोड़ा सा बातचीत हुई कि किस तरह से गेंदबाजी और किस तरह के बल्लेबाजी या किस तरह से क्षेत्र रखेंगे। देखते हैं जबीर, अगली गेंद हल्की सी टप्पा खाने के बाद अंदर आई, जबीर एक अच्छे स्टाइल से गेंदबाजी करते हैं, दोनों स्विंग कराते हैं, अंदर बाहर लाने की क्षमता उनके गेंदबाजी के अंदर, हल्का सा एक रन लेकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन एक विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद स्वीप करना चाहते थे और ये भागेंगे और ये रन आउट का खतरा, डायरेक्ट हिट तो लगी है, अंपायर थोड़ा सा एक दूसरे का डिसीजन पे हल्की सी अपील हुई है और अंपायर का इशारा आउट। थोड़ी सी और मैं गुजारिश करूंगा कि बाहर से प्लीज ना बोले, मैं कहूंगा कि अच्छी कॉलिंग नहीं हुई, रन था लेकिन समझ नहीं आया कि गेंद कहाँ गई थी और गेंद भी आकर यहाँ पे रुक गई, जो उस नुकसान भुगतना पड़ेगा, अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, पहले रन पे आप कोई रन नहीं मिलेगा, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थी, थोड़ी सी कॉलिंग में गड़बड़ी के वजह से ये नुकसान झेलना पड़ेगा टीम के लिए। अगले बल्लेबाज सूरज देखते अपने टीम का मालेगे 24 रन इस आखिरी गेंद, जबीर खान देखते किस तरह की गेंदबाजी, कड़क शॉट मारने की कोशिश, चूके अच्छी तेज गेंद, कम से कम 120 किलोमीटर पर आवर पर गेंद थी, थोड़ी सी तेज गेंद डाली थी, अच्छी गेंद, तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर 24 रन पे दो विकेट। और मैं थोड़ा सा गेंदबाजी कहूंगा कि रेहान पहली गेंदबाज, उन्होंने सिर्फ एक रन दिया था, उसके बाद थोड़े से महंगे साबित हुए बादल, दो एक्स्ट्रा डाले थे लेकिन आखिरी दो गेंद में अच्छी चौकी लगाई, उसके बाद 14 रन दिए उन्होंने, और जबीर खान ने पहली गेंद में फुल टॉस डाली थी, चौका लगने के बाद उन्होंने फिर से अपना भार संभाला और सिर्फ 8 रन दिए, एक रन आउट में एक बल्लेबाज लोटे, थोड़ा सा आखिरी देखते कितने रन जुटा पाते बेवूर के दो बल्लेबाज। एक सम्मानजनक स्कोर स्कोरबोर्ड पे लग चुका है, थोड़ी सी पिच नमी की वजह से गेंदबाज थोड़े से गेंद जिसे मारने चाहते थे पॉइंट के क्षेत्र में थोड़ा सा टॉप लगा और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, रोकना है तो कम से कम 35 रन जाना जरूरी, क्योंकि वे अच्छी गेंदबाज अच्छी फील्डिंग अच्छी क्षेत्र का देखने मिलता है। अगली गेंद लेके तैयार हल्के से कड़क मारने की कोशिश, थोड़े से जबीर घूमे थे लेकिन अपने बदन को बॉल के ऊपर पूरा डालकर अपने टीम के लिए 3 रन बचाए और एक रन आउट के रूप में विकेट मिलेगा, थोड़े से बल्ले की दिशा में घूमे थे लेकिन गेंद टो लगा था, थोड़े से एज लगी थी और स्ट्रेट ड्राइव चले गया था, अच्छी फील्डिंग जबीर के द्वारा। इस मैच में थोड़ा सा शांतता नजर आ रही है, थोड़ा सा रोमांच नजर कम आ रहा है, अब तक अच्छा मैच जा रहा है, अभी भी 4 गेंद शेष, जरूरी 4 गेंद को एक बाउंड्री में तब्दील करें और कम से कम 32 से 35 स्कोर लगाए, क्योंकि पेडाइस में अच्छे अच्छे बल्लेबाज मौजूद, देखते किस तरह का सामना करेंगे। हल्का शॉर्ट गेंद वहां पे मारा है, अच्छे छोटे कट के बहुत अच्छी ये फिटनेस नजर आती है, छोटे से बच्चे अंडर 15 के बच्चे नजर आ रहे और पेडाइस अपने नए नए उभरते सितारों को चांस देते, बहुत ही उनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम। अभी भी 3 गेंद शेष, स्कोर रुका हुआ 5 रन और अपने प्रमुख गेंदबाज पेडाइस नजर नहीं आते, ऐसा लग रहा है कि कोई नए नए गेंदबाज यूज कर रहे, अच्छी गेंद फिर भी रोक के रखा है वेवर को,
पेडाइस के अंदर जावेद अच्छे अच्छे गेंदबाज नजर आते थे। अब नए गेंदबाज को लेकर फुलटॉस गेंद में कह रहा था कि ये फ्रेश गेंदबाज है नजर आ रहे निशान, ये अच्छी बल्लेबाजी करते, लेकिन आज उनको गेंदबाजी का भी भार संभालना होगा। टगीर, टगीर अच्छा गेंदबाज है, उनकी शादी है लगता है इसलिए वो आज मौजूद नहीं है। अच्छे अच्छे गेंदबाज मौजूद है लेकिन आज जो बल्लेबाजी करते हैं उनको भार संभालना पड़ रहा है गेंदबाजी का, और अच्छा प्रदर्शन नजर आ रहा है, रोक के रखा है उनको। इस ओवर की आखिरी गेंद, इस इनिंग की आखिरी गेंद, देखते किस तरह का समाचार लगे। हल्की सी बार गेंद, अंपायर का इशारा वाइट, इस वाइट से बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। इस आखिरी गेंद में देखते किस तरह का समाचार, हल्का सा बार फिर से गेंद, अंपायर का इशारा डॉट गेंद, अच्छी गेंद, थोड़ी सी रूम बनाकर मारना चाहते थे लेकिन 28 रन पे स्कोर समेट गया है वेबूर का और 29 रन का लक्ष्य है। देखते पेराडाइज किस तरह से इस लक्ष्य को पूरा कर पाएगी। चेक, धन्यवाद डीजे मास्टर, धन्यवाद अक्रम सर। चलते बीच मैदान के अंदर, जरूर एक इनिंग की समाप्ति के बाद रनों की बात की जाए, रन संख्या जाकर पहुंची 28 पर 29 रनों का लक्ष्य। शिवराज्य बेऊर बनाम पैराडाइज बोईसर का मुकाबला चलता हुआ सेकंड राउंड का दूसरा मुकाबला इस प्रतियोगिता का। वेलकम होगा फिर एक बार सभी का श्री इलेवन ऑर्गेनाइज आप देख रहे श्री चषक 2024 की। जरूर पहली रात 29 रनों का पीछा करना है। सम्माननीय आदरणीय विजय जी गांगोडे साहब आपसे गुजारिश है प्लीज आप आइए, मुख्य पर विराजमान हुई है आपकी जगह जरूर मुख्य मंच पर है। चलते बीच मैदान के अंदर जहां पर एक तरफ शिवराज वेओर टीम को 29 रन रोकने तो दूसरी तरफ बात की जाए पैराडाइज बोईसर टीम को 29 रन बनाने। दोनों टीमें बीच मैदान के अंदर जरूर गेंद और बल्ले का चलता हुआ कड़वा संघर्ष। चलिए दो बैटर्स आइए बीच मैदान के अंदर, एक बेहतरीन प्रतियोगिता अब तक घटी है। दो बल्लेबाज आइए बैटिंग मार्क पर, तुरंत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है। 29 रनों का लक्ष्य सामने है, उस 29 रनों का पीछा करते हुए कौन से दो प्रारंभिक बल्लेबाज होंगे जो बीच मैदान के अंदर आएंगे, क्योंकि अब तक बात की जाए पिछले मुकाबले में जरूर जब्बीर और नीलेश मिश्रा की जोड़ी बीच मैदान के अंदर आई थी जब पैराडाइज टीम पहला मुकाबला खेली थी, पर इस वक्त दूसरे मुकाबले में कौन से ऐसे बल्लेबाज है जिनको जरूर बल्लेबाजी क्रम में आगे इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो भी देखना होगा, या पिछली पेयर जरूर कंटिन्यू की जाएगी वो भी देखने लायक होगा। सम्माननीय आदरणीय विजय जी गांगुरडे साहब हमारे साथ जुड़े, वेलकम होगा सर आपका, आगतम स्वागतम सुस्वागतम। गेंदबाजी मार्ग पर इस वक्त सूरज उपाध्याय, 29 रनों का लक्ष्य है, 15 मिनट का टाइमर आपका ऑन होगा जैसे ही पहली डिलीवरी बीच मैदान के अंदर पहली गेंद पिच होगी आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो बल्लेबाज जरूर उसी जोड़ी को कंटिन्यू रखा, एक तरफ जरूर पालघर बॉक्स क्रिकेट में एक बड़ा नाम मिस्टर जबीर खान, तो दूसरी तरफ नीलेश मिश्रा, पिछले मुकाबले में भी जरूर नीलेश का कॉन्ट्रीब्यूशन अहम था, जब मैच फंसा हुआ था स्ट्रेट डाउन द ट्रैक ऑनसाइड रीजन पर वो चौका है और वहां से पासा पलटा था मैच ने। पंद्रह मिनट का अवधि जरूर आपके पास होगा, ये मुकाबला अच्छा घटने वाला, अगर पहला ओवर जरूर थोड़ा सा अच्छा गुजरा, अगर सूरज के माध्यम से जरूर इस मुकाबले में ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि विकेट भी विकेट्स में थोड़ी सी नमी है, गेंद बल्ले पर उस तरह से आ नहीं रही है, पर इस वक्त पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी आपको करनी होगी। लाइन एंड लेंथ अगर आप अच्छी रखेंगे, पिछले मुकाबले में मुकाबला जरूर 36 वाला फंसाया था तारापुर ए ने, जबीर का विकेट का पतन होने के बाद जरूर मुकाबला थोड़ा सा फंसा था, इस वक्त भी वही कोशिशें करनी होगी। दूसरी तरफ बात की जाए पैराडाइज टीम के, तो जरूर रन बनाने 29 आपको बनाने होंगे आने वाले 24 गेंदों में। चलते बीच मैदान के अंदर, पहली गेंद पर नजाकत, जब्बीर खान के बल्ले से आता हुआ केवल गेंद को टहलाया डी पॉइंट के रीजन में लगता हुआ पहला बेहतरीन चौका, एक्शन रिप्ले के माध्यम से आप देख रहे हैं बैकफुट पर जाकर पहुंच जरूर किया है, केवल और केवल दिशा दिखाई है, एक्सपीरियंस अनुभव का इस्तेमाल। इस वक्त पहली गेंद में नजाकत तो इस गेंद में ताकत, फोर्स का इस्तेमाल, जबीर के बल्ले से आता हुआ सेकंड इन रो और एक चौका।
थैंक यू डीजे मास्टर। एक्शन रिप्ले के माध्यम से आप देख सकते हैं जबीर खान के बल्ले से लगता हुआ चौका। बैक टू बैक पहला वाला बेहतर था तो ये वाला बेहतरीन है, चौकों की लगती हुई हैट्रिक। जबीर के बल्ले से आता हुआ बैक टू बैक थर्ड इन अ रो, व्हाट अ शॉट। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, जगह बनाई ऑफसाइड रीजन में और जरूर शॉर्ट आर्म पुल के माध्यम से अंडर आर्म कॉपी बुक स्टाइल में लगता हुआ शॉट इस वक्त। ठीक है, गेंद निकल जाएगी, गेंद निकल जाएगी। चार गेंदों में चार चौके, जब्बीर इस वक्त इस मुकाबले को थोड़ा सा जल्दी फिनिश करने के फिराक में। मंशा बनाई है केवल और केवल अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आने वाली दो गेंदें बची है। इस वक्त आता हुआ यह बैक टू बैक दमदार असरदार जब्बीर खान के बल्ले से लगता हुआ यह ब्रांडेड चौका। यस डीजे मास्टर, थैंक यू डीजे मास्टर। क्या छठवा चौका लगेगा, क्या नया कीर्तिमान इस मैदान में जब्बीर खान के माध्यम से दिखेगा या जरूर गेंदबाज को सम्मान दिया जाएगा, यह भी देखने लायक होगा क्योंकि आजकल का ट्रेंड आप देख रहे हैं जरूर आखिरी गेंद पर डिफेंस किया जाता है। क्या डिफेंस देखने मिलेगा, जब्बीर प्रयास होता बड़ा हिट लगाने का, गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं, सिंगल जरूर मिलेगा। 21 लगते हुए स्कोर कार्ड पर एक ओवर की समाप्ति के बाद अब और केवल रनों की बात की जाए, 8 अभी भी बनाने। गेंदबाजी मार्ग पर मिस्टर राहुल शुक्ला। सिंगल यहां पर आता हुआ रन की बात कीजिए, रन संख्या आप देख रहे जाकर पहुंचिए 22 पर 22 ऑन द स्कोर कार्ड टैली। बैकफुट पर पंच करना चाहते थे, गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ आई, ऑफ कटर की गेंद थी, गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं। रन की जो रन संख्या आप देख रहे जाकर पहुंचिए 23 ऑन द स्कोर कार्ड टैली। रनआउट का मौका बनाने का प्रयास जरूर सुमित दुबे के माध्यम से था। रन की बात कीजिए, रन संख्या इस सिंगल के साथ जा पहुंचेगी स्ट्राइक एंड रोटेशन। इस वक्त और एक वाइड गेंद आती हुई, अंपायर को जरूर मजबूर किया सचिन दीक्षित सर को, आप देख रहे हैं अंपायर की भूमिका में। इस वक्त देखिए पैड़ा स्वीप और गेंद निकल गई और जरूर ये मुकाबले को विन क्या हो गए, तो इस मुकाबला समाप्त होता हुआ जरूर। हार्ड लक शिवराज वेओर, आपके आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए जरूर ऑल द बेस्ट, उसी के साथ जरूर मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन पैराडाइज वही सर। आइए कैप्टन रेहान तुरंत आइए टॉस के लिए, उसी के साथ दूसरी तरफ आई भवानी धनसर कैप्टन प्लीज़।